हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आज हम इस रीडिंग को तीन सेक्शन में डिवाइड कर देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं या फिर क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टी के बारे में। दूसरा हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या फीलिंग्स रखती है आपके पार्टनर के लिए। और तीसरा हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं इस टाइम पे, करंट टाइम पे आपके लिए अब क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी सिचुएशन को लेकर। तो जैसे यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। जैसे आपसे रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से लीजिएगा। गाइस, अगर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप ये रीडिंग देखिएगा। बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी वो चीज़ है जिसने आप दोनों को अलग किया है। मेरे लिए वो थर्ड पार्टी वो चीज़ है। तो गाइस, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर कोई थर्ड पार्टी है तभी आप ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो। सेकंड थिंग गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइस, ये रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। मैं सिर्फ एनर्जी पढ़ूंगी, यहाँ पर मेल फीमेल कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं। और समटाइम्स एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती है। सपोज मैं अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स पढ़ रही हूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आपकी ही फीलिंग्स बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेक से निकालूंगी कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। दूसरे डेक से निकालूंगी कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। फर्स्ट वन इज डेविल, क्या फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए। टावर, प्लीज यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्या फीलिंग्स रखते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन, क्या फीलिंग्स रखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स और निकालते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पहले आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स देखते हैं, फिर उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आई है। जैसे मेष, सिंह एंड धनु राशि बहुत ज़्यादा आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आया है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। उसके अलग ही आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई है, यहाँ पर आपकी एरीज की एनर्जी आ गई है और यहाँ पर आपके पाइसिस की एनर्जी आ गई है। उसके अलग गाइस देखिए, नंबर्स की बात मैं करती हूँ तो यहाँ पर फाइव नंबर मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो फाइव नंबर आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर चाहे 5 सालों का आप लोगों का रिलेशनशिप हो या 5 सालों से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ चले गए हो, यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने आपको बताई है ना वो आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी से रिलेट करते होंगे। सेम ये नंबर भी, जैसे हो सकता है आपके पार्टनर 5 सालों से उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में हो, या इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने 5 महीने से 5 सालों से आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं इस थर्ड पार्टी के लिए। तो देखिए गाइज, आप भी समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ
इस थर्ड पार्टी के लिए कोई फेयर फीलिंग्स नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी ही आ गई है आपकी फाइव ऑफ सोर्ड्स की, जो मुझे बताता है कि इन दोनों के बीच में शायद कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है उस थर्ड पार्टी के लिए कि वो थर्ड पार्टी जब फाइट करती है ना, तो वो किसी भी कॉस्ट पर जीतना चाहती है। उस टाइम पे वो थर्ड पार्टी ये नहीं देखती है कि वो किस कॉस्ट पर जीती है। तो आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी ही उस थर्ड पार्टी के लिए ये है कि वो किसी भी कॉस्ट पर जीतती है, चाहे कोई सही हो या गलत हो, वो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। ऐसा आप मतलब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हैं। उसके अलग देखिए, इन लोगों के बीच में कुछ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, शायद को इन लोगों के बीच में ना काफ़ी लोग इन्वॉल्व्ड भी हो गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ही हो, इसमें हो सकता है ये जैसे अगर फैमिली है तो पूरी फैमिली ही आपस में फाइट हो रही है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, यानी कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग ना आपके पार्टनर जो है ना उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी के लिए ये फील करते हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, फर्स्ट कार्ड ही डेविल का कार्ड आ गया है, आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर अब कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसकी तरफ से जितना पॉजिटिव वाइब्स आती थी ना, उसके कंपैरिजन अब आपके पार्टनर के पास उसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अब उस थर्ड पार्टी के लिए कि ये थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल करके रखना चाहती है, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट करके रखना चाहती है, अपने बस में करके रखना चाहती है, ऐसा आपके पार्टनर फील करने लगे हैं। उसके अलग आपके पार्टनर को ऐसा भी लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, बात बात पर गुस्सा करती है, बात बात पर चिड़चिड़ाती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है। मतलब आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बेसिकली बोलने नहीं दे रही है, ऐसा अब आपके पार्टनर को फील होने लगा है। मतलब अगर आपके पार्टनर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसके सामने रखते भी हैं, तो ये थर्ड पार्टी किसी चीज़ को सुनती नहीं है, किसी भी कॉस्ट पर जीतना चाहती है बस। मतलब ये नहीं समझती, आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि ये नहीं समझती क्या सही चीज़ है क्या गलत है, बस जीतना है, ऐसा आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आपके पार्टनर ने अपनी सिचुएशन, जो भी उनका रिलेशनशिप है ना, थर्ड पार्टी के साथ हो, आपके साथ हो, जो भी है, उन्होंने उसको ना सरेंडर कर दिया है, भगवान को सरेंडर कर दिया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांत हो रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल हैंगमैन कर लिया है, मतलब एक तरह से सब दीन दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं, उस टाइप से आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही है इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से ना कोई तो क्या कहते हैं टावर मोमेंट आया है, कोई ना कोई तो आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स खुले हैं, फिर चाहे ये ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है इन लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हो जिससे आपके पार्टनर की बेनतहा नींव हिल गई है, और शायद इसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, तो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। या हो सकता है आपके पार्टनर को इस टाइम पे, इस जिस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ है, आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, या हो सकता है आपके पार्टनर को ये सीक्रेट्स पता चले हो कि ये थर्ड पार्टी उनको कहीं ना उनके पैसों की वजह से उनसे अटैच्ड है, उनसे मिली हुई है, और वो कहीं ना कहीं उनके पैसों को ही उनसे चुरा रही है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो उनका फ्रेंड है कहीं ना कहीं उनके पैसे चुरा रहा हो उनसे, और आपके पार्टनर के सामने उसके सीक्रेट्स खुल गए हो, तब इस फ्रेंड ने आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को भड़काया कि क्यों जा रहे हो, क्यों बात कर रहे हो उस टाइप से, लेकिन अभी आपके पार्टनर के सामने सीक्रेट्स खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन लोगों के बीच में लड़ाई तो बेनतहा हुई है, ये भी फाइटिंग एंड ये भी फाइटिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर के साथ ये हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ने अभी भी हार नहीं मानी है लड़ाई करने के लिए, इस थर्ड पार्टी से फाइट करने के लिए आपके पार्टनर इससे गिव अप नहीं करा है कि अगर तुम आते हो लड़ने के लिए तो वो फिर से रेडी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि देखिए आपके पार्टनर ने अब अपनी सिचुएशन जो
है जो भी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है ना, उसके लिए अपनी लीड अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि हैंग्ड मैन हो गए हैं, लेकिन लीड उन्होंने अब उन्हें मतलब बेसिकली समझ में आ गई है चीज़ें चल क्या रही हैं, ऐसा आपके पार्टनर के सामने आ गया है। और अब क्या हो रहा है ना कि वो जो भी उनके बीच में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसके लिए आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, इस थर्ड पार्टी से अगेन लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग ये कार्ड होता है पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो आपके पार्टनर अब क्या चाहते हैं, अब आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली से डिवोटेड भी हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो गए हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और अब पैशनेट हो गए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर हो तो गए हैं, मतलब ये चीज़ तो है, मेंटली तो हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन लेने के बजाय अपने आप को हैंग्ड कर लिया है, मतलब भगवान ही सब करेंगे, भगवान ही सब चीज़ें संभालेंगे, उस टाइप से आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। हालाँकि आपके पार्टनर ना कहीं न्यू बिगनिंग करने की भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके सीक्रेट्स भी आ गए आपके पार्टनर के सामने, उसका असलियत, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कितना भी टाइम तक मीठा बना रहे लेकिन अगर वो कड़वा है तो उसकी असलियत तो सामने आ ही जानी है। वही चीज़ आपके पार्टनर के सामने हुई है, उसके सीक्रेट्स आ गए हैं, उसका कड़वापन, उसका गलत रवैया आपके पार्टनर के सामने आ गया है, वो न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, उसके सीक्रेट्स भी आ गए हैं, उसकी असली फेस जो होता है ना, वो बेसिकली आपके पार्टनर के सामने मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर रही है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी क्या फीलिंग्स रखती है। एस ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर के लिए, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एज डिफरेंसेस भी हो। क्या फीलिंग्स रखती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए। द मैजिशियन एंड एम्प्रेस, क्या फीलिंग्स रखती है, क्या फीलिंग्स रखती है आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रखती है, क्या फीलिंग्स रखती है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए। चैरियट, क्या फीलिंग्स रखती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए, क्या फीलिंग्स रखती है आपके पार्टनर। एक कार्ड हमारा गिरा, ये आया है आपका एट ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेते हैं, फीलिंग्स रखती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए। क्या आया है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ना वन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे चार बार वन नंबर आया है, तो वन नंबर यानी कि जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ हो, थर्ड पार्टी और ये आपके पार्टनर की वजह से जनवरी मंथ से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, तो कहीं ना कहीं वन नंबर और क्या कहते हैं जनवरी मंथ मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए ये थर्ड पार्टी जहां आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वहां ये थर्ड पार्टी अभी भी ना आपके पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, अगेन इस चीज के लिए बताता है कि न्यू बिगनिंग तो करना चाहती है लेकिन आपके पार्टनर को
के साथ एक तरह से पैसों की वजह से, पेंटिकल्स की वजह से न्यू बिगनिंग करना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपके इस थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। उसके अलग देखिए, जहाँ आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है ना कि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिव वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ना अभी भी रुकती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये एक तरह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, तीन तीन एसेस की एनर्जी आई है, ये फुल ट्राई कर रही है आपके पार्टनर के साथ अगेन न्यू बिगनिंग करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग, जहाँ आपके पार्टनर कि लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ गया है इस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन ये थर्ड पार्टी ना आप लोगों के पार्टनर से अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की वाइफ हो, मदर हो, उस टाइप से हो, मतलब कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो, तो इस तरह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है मतलब आपके पार्टनर के बच्चों की माँ हो, या ये ऑलरेडी मतलब प्रेग्नेंट हो, इस तरह से यहाँ पे कोई भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग करने के लिए ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है ये प्रेग्नेंट है तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का सीक्रेट्स पता चला है, ये भी क्वाइट पॉसिबल है यहाँ पर। उसके अलग देखिए, जहाँ पे आपके पार्टनर शायद, मुझे कुछ कुछ लोगों के पार्टनर्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लेवल पे स्ट्रांग हैं, और यही चीज़ आई है कि फिर से आपके पार्टनर को वो दिखा तो ये रही है ना कि वो आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाइज वो आपके पार्टनर से अटैच्ड है, वो उनके लिए फीलिंग्स रखती है, इमोशंस रखती है, उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहती है, ऐसा ये आपके पार्टनर को ये शो करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हर एक कार्ड में मुझे आपके पार्टनर की तरफ ही ऑफर करते हुए दिखाई दे रही है। फिर से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप लोगों के पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एज डिफरेंसेस भी हो सकता है, जहां आपके पार्टनर इससे फाइट करने के लिए तैयार हैं, वहां पर ये अगेन आपके पार्टनर को मनाने के लिए, उन्हें ऑफर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए तैयार रेडी है, मतलब बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को शायद मैनिफेस्ट कर रही है इस चीज़ के लिए कि आपके पार्टनर उसके लिए पैशनेट हों। जैसे इन लोगों के बीच में जो फाइट हो रही है ना, तो ये थर्ड पार्टी अभी भी उसने गिव अप नहीं करा है, ये आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही है, चाहे इसे मैनिफेस्ट करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये फुल टू ट्राई कर रही है कि आपके पार्टनर उसके लिए पैशनेट हो, उसके साथ न्यू बिगनिंग करे, ऐसा ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे आपके पार्टनर की तरफ दिखाई दे रही है। उसके अलग, जहां आपके पार्टनर हैंग्ड हो चुके हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, जहां आपके पार्टनर हैंग्ड हो चुके हैं ना, वहीं पर ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर मूवमेंट ले। आपके पार्टनर जो ये उनके बीच का जो रिलेशनशिप थम गया है ना, रुक गया है, हो सकता है आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी बात भी ना करते हों, आपस में बहुत खिंचे खिंचे रहते हों, बहुत शांति मतलब शांति ना हो इन लोगों के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है बात करने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, न्यू बिगनिंग मतलब नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, उस चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। इन लोगों के बीच में फाइट तो हो रही है और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी मूव ऑन करना चाहती है, फिर ये मूव ऑन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मूव ऑन करना चाहती है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर, ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाएं और एक न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन एसेस की एनर्जी आई है, मैनिफेस्ट भी कर रही है आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर को ये बोल रही है या ये खुद से कह रही है कि इन सब पुरानी चीज़ों को छोड़कर मूव ऑन करते हैं और नए सिरे से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बोल रही है या फीलिंग्स रखती है, या उसको लग रहा है कि आपके पार्टनर उसके मतलब उसकी तरफ से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियली लेवल पे तो है आपके पार्टनर से अटैच्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। इस चीज़ के लिए भी मैं मतलब मना नहीं कर सकती, ये अटैचमेंट तो है इसे आपके पार्टनर की तरफ से, फिर चाहे इन लोगों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये जो थर्ड पार्टी है ना,
ये चाहती है कि लोगों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स तो देखिए नो डाउट इन लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और अगेन यही चीज़ इस बात को श्योर कर देती है कि ये थर्ड पार्टी चाहती है कि इन लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाए, उसमें एक मूवमेंट आए, स्टैग्नेशन एनर्जी ख़त्म हो जाए और मूवमेंट आए। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर एक डिसीज़न ले लें, और स्पेशली वो आपकी इनकी इस थर्ड पार्टी की तरफ एक न्यू बिगनिंग को लेकर ये आपके पार्टनर जो है एक डिसीज़न ले ले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये आपके पार्टनर को ये भी बोल रही हो कि कहीं और मूव हो जाते हैं, कहीं और रहने लगते हैं, उस टाइप से भी यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी न्यू बिगनिंग चाहती है, तो ये इस वजह से आपके पार्टनर को शायद फोर्स भी कर रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये थर्ड पार्टी ने अभी गिव अप नहीं करा है, और आपके पार्टनर ने ये जो चीज़ मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताई थी, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है आपके पार्टनर को। इसी वजह से ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर एक तरह से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। उसके अलग मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने उस थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स भी खुलते हुए दिखाई दिए थे। चलिए अब तो ये सब चीज़ें तो हो गई है, अब ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। क्या इन लोगों के बीच में ये सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसके बाद क्या आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई फीलिंग्स वापस से जाग रही हैं, ये चीज देखते हैं। चलो क्या आपके पार्टनर को आपके लिए कोई फीलिंग्स जाग रही हैं, क्या उन्हें रियलाइज हो रहा है इस थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपके पार्टनर हालांकि वो थर्ड पार्टी अभी भी ट्राई कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे चिड़चिड़े नजर आए उस थर्ड पार्टी से। तो देखते हैं आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। फर्स्ट आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स। शायद आप लोग कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, या फिर आप लोग मैरिड थे, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, मुझे नाइन नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहा है गाइज अभी तक आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। स्ट्रेंथ एक कार्ड और चाहिए हमको, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक डेथ, ओवरऑल एनर्जी। तो गाइस देखिए नंबर्स वाइज मैं अगर आपको बताती हूँ तो यहाँ पर मुझे एट नंबर और नाइन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और एक नंबर यानी कि वन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो हो सकता है आप लोगों का जो सेपरेशन है उसे एक साल हो गया हो, थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर को गए हुए 8 महीने 9 महीने हो गए हों, इस तरह से ये मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप ही 8-9 साल का था, तो आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो एक साल हो गया है आप लोगों के बीच में, ऐसा पॉसिबल है। यानी कि एक नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये आपसे इस तरह से मुझे रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे नहीं करेंगे किसी से करेंगे। उसके अलग अगर मंथ वाइज अगर आप बात कर लो तो अगस्त, सितंबर और जनवरी मंथ, ये तीन मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। फिर चाहे वो आपके पार्टनर या आपका बर्थ मंथ हो, आप लोगों की एनिवर्सरी हो, आप लोग बिछड़े हो, आप लोग मिले हो, इस तरह से ये मंथ्स आपसे रिलेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज आई हैं जो आपकी और आपके पार्टनर की होगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आया है, और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। वैसे सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। उसके अलग यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई है, लियो की एनर्जी आ गई है हमारी,
हेरोफेंट हमारी टॉरस की एनर्जी आ गई है। देखिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये लग रहा है ना, उसके साथ तो थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे लड़ाई दिखाई दी, लेकिन अब आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पार्टनर को पछतावा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है ना, वो क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है ना वो खत्म हो गया है। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो, या तो उस चीज का ये रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर को किसी चीज का बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है उसका दी एंड हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। उसके अलग आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना स्टक भी महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो उस थर्ड पार्टी के साथ स्टक हो गए हैं, वो निकल नहीं सकते हैं। मतलब उनकी फीलिंग्स इस टाइम पे ये है आपके लिए कि वो अपने आप को निकाल नहीं सकते हैं, यादें उन्हें बहुत आ रही हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोटोज़, डीपी, मैसेजेस भी, पुरानी जो चैट होती हो आप लोगों के बीच की चैट हो तो वो भी पढ़ते हो, आपके फ़ोटोज़ देखते हो, या आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो याद करते हो, और फिर उसके बाद आपके पार्टनर को रिग्रेट होता है, उन्हें पछतावा होता है और लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब वो जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं वहाँ पर वो स्टक हो गए हैं, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। मुझे ये लग रहा है या तो आप लोग मैरिड हो तब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, या हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट चाहते थे तब आपके पार्टनर किसी थर्ड मतलब किसी या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने शादी कर ली हो, उस टाइप से भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन आपके पार्टनर ना आपके लिए दो चीज़ें हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स कारण मुझे बताता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ना ये ऐसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि आप मतलब आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई थी ना उसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लिया, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा उनके लिए, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपने अपनी इस सिचुएशन में जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उस बीच में आपने अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल कर लिया है। हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाएगा, न्यू पर्सन की एंट्री हो जाएगी और वो मतलब उनसे ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद अब कोई और न्यू एंट्री हो गई है जिसका जो फाइनेंशियली लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। हालांकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, आपको आपके लिए पैशनेट भी हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है ना, उन्हें रिग्रेट हो रहा है और अपने आप को वो स्टक फील कर रहे हैं कि वो अब उस सिचुएशन से, उस थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशनशिप है ना उसके साथ वो बाहर नहीं आ सकते हैं और वो अपने आप से बांध कर बैठ गए हैं कि चीज़ों का दी एंड हो गया है। आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग्स आ रही है। चलिए थोड़ा सा आपके लिए ही और फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, तीन कार्ड्स निकालते हैं कि आपके लिए और क्या फीलिंग्स रख रहे हैं आपके पार्टनर। फिर से अलोननेस का कार्ड है, देखिए मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। दो कार्ड्स आए हैं मेरे पास, द बर्डन, कौन सा है, लेटिंग गो, ठीक है, एट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अलोनली फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है ना, नाइन नंबर गाइस मुझे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अगेन ये नाइन नंबर और एट नंबर आया है तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करता होगा। उसके अलग ना आपके पार्टनर ना अब इन सब चीज़ों को लेकर ना काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। जैसे देखिए
आपके पार्टनर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं ना, देखिए ये चीज़ है क्या, ये बंदा जो है ना इसको ये कंट्रोल में करना चाहता है, अपने आप चला रहा है। वही आपके पार्टनर अब फील कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं सिचुएशन को लेकर, अपने आप को लेकर, कि वो बस ऐसे ही जैसे होता है ना कि बिना आत्मा के शरीर, उस टाइप से अपने आप को फील कर रहे हैं और बस चले जा रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर अब इस टाइम पे। और आपके पार्टनर ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं इस एनर्जी को, इस अलोननेस एनर्जी को लेट गो करना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर पेशेंस भी बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी बनाए हुए हैं। आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि उन्हें ना समझ नहीं आ रहा है कि अब वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, पहले ये देखते हैं। अगर आपके लिए फील कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं तीन कार्ड्स आपके लिए ओशो कार्ड से निकालूंगी एज अ गाइडेंस, और मैं फिर एनर्जी ओरेकल से निकालूंगी। फर्स्ट वन इज ड्रीम। आपको भी शायद अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, क्या करना चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्ट्रेस, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस। मैच्योरिटी, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या आया है ना, आपको शायद अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाई देते हैं, तो आपको बेसिकली अगर आपको अपने ही पार्टनर चाहिए तो आपको पहली चीज़ करनी है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना उसे मैच्योरली डील करना है आपको, और आपको अपने पार्टनर को ना विजुलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए विजुलाइज क्या होता है बेसिकली, जैसे ये लेडी बैठी है और ये देख रही है कि ये अब उसके पार्टनर के साथ है, उसकी बाहों में है, उसी तरह से आपको विजुलाइज करना है। जैसे वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है, आपने भी देखा होगा मैजिशियन कार्ड आया था, उसी तरह से आपको भी ट्राई करना है अपने पार्टनर को विजुलाइज करने का कि आप उनकी बाहों में हैं, उनके साथ हैं, इसी तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें करते हुए ना स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी कंडीशन में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आपका मैनिफेस्ट ठीक से नहीं होगा, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। उसके अलग आपको मैच्योरली सिचुएशन को डील करना है, यानी कि अभी आपको शांत रहना है। आप जितना बोलोगे ना उतना आप बुरे बन जाओगे, आप ये चीज़ समझो, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आप बुरे बन जाओगे अपने पार्टनर की नज़रों में। अभी उन्हें रियलाइज हो रहा है ना, उस चीज़ को और बढ़ने दो, जब वो पीक पर पहुँच जाएगा ना तो वो अपने आप चीज़ें नॉर्मल नेचुरली सही हो जाएंगी, उस रियलाइजेशन को पीक पर पहुँच जाने दो, ऐसा आपके लिए इसी को मैच्योरिटी कहते हैं और इसी के लिए ही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। चलिए देखते हैं और एनर्जी ओरेकल आपको क्या बताते हैं। प्लीज एक कार्ड हमारा गिरा, हीलर ऑफ द एजेस। हील तो होना ही पड़ेगा आपको, स्ट्रेस ले रहे हो आप इतना ज्यादा, और शायद आप लोगों की हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और ओरेकल से एक कार्ड और निकालते हैं प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए मुझे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। देखिए गाइस आपके लिए आपका कनेक्शन प्योर है, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, शायद इसी चीज़ का आपके पार्टनर को भी आपके लिए रियलाइज़ हो रहा है। आप तो करते ही करते हो अपने पार्टनर के लिए केयर, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, अपने लिए हील होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको अपने कनेक्शन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए ना पॉजिटिव रहकर उसे मैनिफेस्ट करना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को रियलाइज़ भी होने दो और खुद से भी पॉजिटिव रहो, मतलब खुद से भी मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो, उनको रियलाइज़ होने रहने दो, तो उससे क्या होगा ना, चीज़ें जल्दी 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 ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी, ऐसा आपके लिए बोला जा। मुझे जो मेरे कार्ड्स बताते हैं मैं सिर्फ वही चीज़ बताती हूँ,
मेरे कार्ड्स ने जो मुझे बताया मैं आपको सिर्फ डिलीवर करती हूँ वही मैसेजेस। मैं अपनी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं देती हूँ किसी को भी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 3 मैसेजेस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। 1 और 2 और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 1 और आ गया है। 1 और मैसेजेस दीजिए मुझे। ठीक है चलिए। फर्स्ट वन इज आई स्टिल होप। आपके पार्टनर को आज भी होप है कि उनके साथ उनका और आपका फिर से रिलेशनशिप ना रीयूनियन होगा, रिकनसाइल होगा। आपके पार्टनर आपको लेकर आज भी होप रखते हैं, ऐसा आपके पार्टनर बोल रहे हैं। उसके अलग है यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू। शायद आपके पार्टनर ने तब आपको ना ईगो दिखाया था उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर कि वो उनके साथ जा रहे हैं, आपको ब्लॉक भी कर दिया था या आपने ब्लॉक कर दिया था जो भी है, बट अभी उन्हें समझ में आ गया है सारी सिचुएशन जो है और वो बोल रहे हैं कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। आई विल कम बैक एंड देन वी कैन फाइट अगेन। हो सकता है उस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में काफी फाइट भी हुई हो, काफी लड़ाई झगड़े भी हुए हो, तो आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि आप वो फिर से आएंगे और फिर से लड़ाई झगड़े करेंगे। लेकिन ये एक प्यार के लिए लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर से जाने के लिए आएंगे, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वो फाइट करेंगे आपसे, तो एक मतलब प्यार भरी फाइट होने वाली है ऐसा वो बोल रहे हैं। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय बाय। Love you all.